गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट टू का अध्ययन किया था, यहां तक कंप्लीट किया था। इससे पहले आज हम पार्ट थ्री को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। इट हैज बीन वेल सेड, ठीक ही कहा गया है या सही ही कहा गया है, दैट कि फॉरेस्ट प्रीसीड, यानी फॉरेस्ट का मतलब हो जाएगा वन यानी जंगल, प्रीसीड मतलब पहले से ही थे। किसके पहले से थे? मैनकाइंड यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन। मैनकाइंड को ह्यूमन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ह्यूमन ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के पहले। यानी यहां से देखेंगे, ठीक ही कहा गया है कि मानव सभ्यता के पहले वन थे, यानी वन जो है मानव सभ्यता के पहले ही थे, और जब मानव सभ्यता पनप गई, फ्लोरिश हो गई, तो डिजर्ट फॉलो, तो डिजर्ट यानी रेगिस्तान ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद होने शुरू हुए, यानी एग्जिस्ट में, अस्तित्व में आने शुरू हुए। यहां बात यह बताई जा रही है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले ही प्रकृति थी, जंगल उससे पहले थे, और जब ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हो गई तो उसने कुछ प्राकृतिक संसाधन का दोहन कुछ ज्यादा किया, जिससे डिजर्ट जो है वो इंक्रीज होने लगे। कहने का मतलब यदि यहां देखा जाए तो सबसे पहले वन आए, फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन, और एट लास्ट क्या होगा, डिजर्ट रहेगा। यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन यदि कभी समाप्त होगी तब क्या रह जाएगा, केवल डिजर्ट रह जाएगा, रेगिस्तान रह जाएगा। ठीक है, यहां कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में दी जा रही हैं, कुछ चीजें जो है चेतावनी के रूप में दी जा रही है। चेतावनी ये दी जा रही है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन यदि ज्यादा दोहन करेगा तो क्या होगा, डिजर्ट का विस्तार बढ़ेगा, रेगिस्तान का विस्तार बढ़ेगा, और ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले भी वन थे। ठीक है, यानी पर्यावरण हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले ही था, और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद पर्यावरण का जो है दोहन शुरू हुआ, पर्यावरण को क्षति पहुंचानी शुरू की गई, और यदि ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसा ही करता रहा तो क्या होगा, डेजर्ट्स का विस्तार बढ़ जाएगा। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी, पैट्रिमोनी का मतलब हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत या धरोहर। चलिए, द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी यानी विश्व की प्राचीन धरोहर, किसकी, ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय वनों की, विश्व की प्राकृतिक धरोहर, इज नाउ, अब है, कैसी, इरोडिंग। इरोडिंग का मतलब क्या होता है, यानी डिक्रीजिंग, इसको हम डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, यानी वो उसमें गिरावट आ रही है, यानी वो ज्यादा विनाशकारी हो रही है, यहां पे डिक्रीजिंग इसको हम कह सकते हैं, डिक्रीजिंग, घट रही है, किस रूप से, एट द रेट ऑफ 40 to 50 million एकर्स अ ईयर, यानी प्रतिवर्ष, अ ईयर का मतलब क्या होगा, पर ईयर, प्रतिवर्ष, एट द रेट मतलब की दर से, किसकी दर से, 40 to 50 million एकर, यानी प्रतिवर्ष 40 to 50 million एकड़ की दर से, यानी जो उष्णकटिबंधीय वन थे उनकी जो प्राचीन धरोहर थी वो अब क्या हो रही है, प्रतिवर्ष 40 to 50 million एकड़ की दर से घट रही है। ये कहा जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोला जा रहा है बात। ओके, समझ में ना आया हो तो फिर से बताएं, बताइए, आ गया समझ में बॉयज, ओके।
चलो देखते हैं आगे. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, डंग मीन्स होता है गोबर, ठीक है, फॉर बर्निंग, बर्निंग का मतलब होता है फ्यूल, ईंधन के रूप में, ठीक है, फॉर बर्निंग मतलब फॉर फ्यूल. तो क्या हो रहा है कि द ग्रोइंग यूज यानी बढ़ता हुआ उपयोग, यानी बढ़ता हुआ प्रयोग, ग्रोइंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, यूज मतलब प्रयोग, किसका, ऑफ डंग, गोबर का, गोबर का बढ़ता हुआ प्रयोग किस रूप में, आप किस रूप में भी बोल सकते हैं, किसके लिए बोल सकते हैं, ईंधन के रूप में या ईंधन के लिए गोबर का बढ़ता हुआ जो यूज है वो क्या कर रहा है, डिप्रीव, वंचित कर रहा है, वंचित करता है, ठीक है, कमी करता है, ठीक है, किसकी कमी करता है, किसमें कमी करता है, द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी जो मिट्टी की क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक है, यानी जो मिट्टी की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है उससे वंचित कर रही है, किसको वंचित कर रही है, सॉइल को, सॉइल को वंचित कर रही है, किससे, आप यहां आप को फ्रॉम भी, फ्रॉम के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, किससे वंचित कर रही है, यानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरा शक्ति से वंचित कर रही है, यानी जो ये डंग है, ये डंग को हम जैविक खाद बोलते हैं ना, एक प्रकार की जैविक खाद है, तो जैविक खाद जो मिलनी चाहिए किसको, सॉइल को, वो यूज कहां हो रही है, बर्निंग के लिए, फ्यूल के लिए यूज हो रही है, ईंधन के लिए, जैसे कंडी वगैरह जानते हैं ना, तो वही है, जब डंग का ज्यादा यूज बर्निंग के लिए हो रहा है, यानी फॉर एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, ठीक है, पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग जो ज्यादा हो रहा है, इससे किसको वंचित किया जा रहा है, सॉइल को वंचित किया जा रहा है, किससे वंचित किया जा रहा है, जो उसको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति मिलती है जो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उससे इस मिट्टी को क्या किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, ठीक है, क्यों वंचित किया जा रहा है, क्योंकि जो डंग है, जैविक खाद है, इसका यूज ज्यादातर किसके लिए हो रहा है, बर्निंग के लिए, नहीं जो है ईंधन के रूप में ज्यादा हो रहा है इस नाते. अब यही चीज जो ईंधन के रूप में हो रहा है, यही चीज यदि मिट्टी को मिलती तो इसकी उर्वरा शक्ति जो है मेंटेन रहती, ठीक है, जितना हम क्रॉप जो है ग्रो करते हैं, क्रॉप हम जितना लेते हैं मिट्टी से, उतना हम उर्वरा शक्ति मिट्टी को दे नहीं पाते, इस नाते हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन एक्चुअली है, जो फसल का उत्पादन है वो घट रहा है धीरे धीरे, और उसकी पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर रहे हैं, जबकि हमको नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, जैविक जो है खाद यूज करना चाहिए. अब उसकी कमी है क्योंकि उसका यूज बर्निंग में हो रहा है, तो उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जिससे पृथ्वी की जो सॉइल है, मिट्टी है, इसकी उर्वरा शक्ति वैसे भी कम हो रही थी के आते, और जो केमिकल फर्टिलाइजर दिया जा रहा है उससे और भी इसमें जो है कमी हो रही है, ठीक है, तो इस नाते जो है ये ग्रोइंग यूज ऑफ डंग जो है ये मिट्टी को मिलना चाहिए था, लेकिन यूज किसमें हो रहा है, बर्निंग में हो रहा है. आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, वर्ल्ड बैंक मतलब जानते होंगे विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक ने क्या किया, आकलन किया, एस्टिमेट्स का मतलब होता है आकलन करना, तो जो विश्व बैंक है वो आकलन करती कि क्या आकलन करती है, ए फाइव फोल्ड, फाइव फोल्ड का मतलब फाइव टाइम्स हो जाएगा, पांच गुना, फाइव टाइम्स, फाइव टाइम्स, पांच गुना इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट. देखो विश्व बैंक आकलन करती है कि पांच गुना वृद्धि किसमें, इन द रेट, दर में, किसकी दर में, ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, यानी वन रोपण, क्या बोलेंगे इसको, वन रोपण, वन रोपण की दर में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, फाइव फोल्ड इंक्रीज होनी चाहिए, यानी पांच गुना वृद्धि इज नीडेड, आवश्यक है, इज नीडेड मतलब जरूरत है, रिक्वायर्ड है ना, क्या करने के लिए, टू कोप विथ, टू कोप विथ का मतलब होता है टू फेस, सामना करने के लिए,
टू फेस मतलब सामना करना, टू कोप विथ का मतलब हो जाएगा, सामना करने के लिए जरूरी है। किसका सामना करने के लिए? द एक्सपेक्टेड, अपेक्षित, इसको हम कहते हैं अपेक्षित। इसी को एक्सपेक्टेड को इसेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसेंशियल आवश्यक अपेक्षित, ठीक है, एक्सपेक्टेड को इसेंशियल बोल सकते हैं। अपेक्षित फ्यूल वुड, फ्यूल वुड का मतलब क्या? जलाऊ लकड़ी, ईंधन के लिए यूज की जाने वाली लकड़ी। डिमांड मतलब मांग, यानी जलाऊ लकड़ी की मांग, यानी अपेक्षित जलाऊ लकड़ी की मांग का सामना करने के लिए किस वर्ष तक? इन द ईयर 2000, यानी सन 2000 तक। वर्ल्ड बैंक 2000 तक की बात कर रही है। यदि सन 2000 तक जलाऊ लकड़ी की जो डिमांड है, जो अपेक्षित डिमांड है, जो जरूरी डिमांड है, उसका सामना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो फॉरेस्ट प्लांटिंग का रेट है, इसको कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा? 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। कब तक के लिए? केवल सन 2000 तक के लिए। हम लोग कब कहाँ हैं? 2021 में है, यदि प्रेजेंट टाइम की बात देखी जाए। अभी ये 2022, मैंने क्या बोला, 21 बोला मैंने, ओह सॉरी, हम लोग 2022 में हैं, 2022 में हैं, तो 22 ईयर अगो की बात हो रही है, यानी 22 वर्ष पहले की बात हो रही है। 22 वर्ष पहले कंडीशन क्या थी? कि यदि फॉरेस्ट प्लांटिंग जो है, वन रोपण का जो दर है, उसको 5 गुना बढ़ाया जाएगा, तब तो इसकी जो है पूर्ति हो पाएगी, सामना हो पाएगा। लेकिन अब ये शायद इंक्रीजिंग इसकी और भी ज्यादा बढ़ गई होगी, ठीक है। तो अभी ये 2000 तक की बात की जा रही है, सन 2000 तक की बात की जा रही है। विश्व बैंक ने बताया था कि यदि वन रोपण की जो दर है, उसमें 5 गुना की वृद्धि की जाए, तो हमें अपेक्षित जलाऊ लकड़ी की डिमांड सन 2000 तक हम क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं, ठीक है। कवर करने का मतलब उसका सामना हम कर सकते हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स स्पेप, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे। देखो ये नाम है, द प्रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा अध्यक्ष। जेम्स स्पेप, यानी जेम्स स्पेप जो नाम है वो क्या थे? द प्रेसिडेंट, अध्यक्ष थे। यहां देखिए किसी कंट्री की बात की गई होती तो राष्ट्रपति हम मानते, लेकिन ये किसी इंस्टीट्यूट की बात की, इंस्टीट्यूट में राष्ट्रपति नहीं होते, वहां तो क्या होता है, अध्यक्ष होते हैं। तो जेम्स स्पेथ जो विश्व या अंतरराष्ट्रीय, इसी को विश्व भी बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हैं, विश्व संसाधन संस्थान, विश्व संसाधन संस्थान के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने सेड बोला था, कब बोला था? द अदर डे मतलब सम डे, किसी दिन, सम डे इसको बोलेंगे, वैसे शाब्दिक अर्थ लगाया जाए दूसरे दिन हो जाएगा, होगा ना, सम डे, किसी दिन इन्होंने बोला था। क्या बोला था? वी वर सेइंग, हम कह रहे थे, यानी यहां पे हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स वर सेइंग, कह रहे थे दैट की वी आर लूजिंग, हम क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं द फॉरेस्ट मतलब जंगल को, यानी हम जंगल को नष्ट कर रहे हैं, ये भी आप बोल सकते हो। एट एन एकर अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड में एक एकड़ विस्तार जंगल को हम क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। बट लेकिन इट इज मच क्लोजर, यह ज्यादा नजदीक है, क्लोजर का मतलब यहां नियरनेस से लगाया जाएगा, यह ज्यादा नजदीक है क्या, व्हाट इज इट का मतलब क्या, लूजिंग द फॉरेस्ट यानी जो वन की कटाई है, ये ज्यादा नजदीक है किस औसत के या किस दर के, एट एन एकर एंड ए हाफ, यानी एक एकड़ और आधा एकड़ मतलब डेढ़ एकड़, डेढ़ एकड़ ए सेकेंड मतलब पर सेकेंड। यानी हमने पहले क्या कहा था कि हम जंगल को नष्ट कर रहे हैं किस औसत से, एक सेकेंड में एक एकड़, एक एकड़ विस्तार वाला जंगल नष्ट कर रहे हैं एक सेकेंड में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब बढ़कर क्या हो गया, ये एक सेकेंड में डेढ़ एकड़ हम नष्ट कर रहे हैं,
ये स्थिति बन गई है। हम तो मान रहे हैं कि हम एक एकड़ एक सेकंड में खत्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम एक सेकंड में डेढ़ एकड़ समाप्त करने के बहुत ही करीब आ चुके हैं, हम बहुत नजदीक हैं। यानी एक एकड़, एक सेकंड में एक एकड़ से ज्यादा ही हम नष्ट कर रहे हैं। इतना तो क्लियर है कि एक सेकंड में एक एकड़ तो जा रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा जा रहा है, इससे ज्यादा भी कुछ जा रहा है। भले से यहां तक ना पहुंचे हों, लेकिन इसके करीब तो हो ही गए हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक सेकंड में डेढ़ एकड़ हम खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम यहाँ क्लोजर पहुंच रहे हैं ना। लगभग डेढ़ एकड़ हम एक सेकंड में नष्ट कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं लगभग लगा के, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं, एग्जैक्टली तो इतना है, मोर देन वन एकड़, मोर देन एन एकड़ तो है ही, एक एकड़ से ज्यादा है, बट पूरा पूरा एग्जैक्टली इतना हम नहीं कह सकते, लगभग इतने एकड़ एक सेकंड में हम खर्च कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं। समझ रहे हैं ना। अब चूंकि कितना वन नष्ट हो रहा है ये तो इसी संस्थान के अंदर का मैटर है, क्योंकि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन संस्थान है ना ये, तो ये इन सब का ब्यौरा रखता है, डिटेल रखता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 48A यानी अनुच्छेद 48A किसका, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, किसके, ऑफ इंडिया, भारत के, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A प्रोवाइड्स मतलब प्रावधान करता है, प्रोवाइड्स मतलब गिव्स, देता है, बताता है, सो दिखाता है, ये भी कह सकते हैं। प्रोवाइड मतलब वैसे तो होता है गिव, देना, ठीक है। तो यहां लेकिन चूंकि प्रावधान का कोई, सॉरी, ये संविधान का कोई आर्टिकल है, तो इस संविधान के आर्टिकल में प्रावधान होते हैं, तो इसको हम प्रावधान बोलेंगे। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A प्रावधान करता है, यानी बताता है कि, क्या बताता है, जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ, क्या, द स्टेट यानी जो राज्य है, भारत के अंतर्गत जो राज्य है, कितने राज्य हैं, 28 और यूनियन टेरिटरी 8, फिर बदल हुआ है, अब प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं, यूटी बोला जाता है उनको, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के दोनों को जोड़ लिया जाए 36 की संख्या पहुंच रही है, 28 और 8, ठीक है। चलिए, तो ये भारत का संविधान 48A है, वो प्रावधान करता है कि भारत के अंतर, यानी भारत के जो राज्य हैं वो प्रयास करेंगे क्या करने का, टू प्रोटेक्ट यानी टू सेव एंड इंप्रूव और सुधारने का प्रयास करेंगे, क्या, द एनवायरनमेंट यानी वातावरण या पर्यावरण को, यानी ये जो आर्टिकल है 48A ये तो बचाने का प्रयास करेंगे और उसको सुधारने का भी प्रयास करेंगे, ये काम राज्य का है, ठीक है। अब आप ये याद रखिएगा 48A, ठीक है। तो ये अनुच्छेद ये बताता है कि भारत में जितने राज्य हैं सभी वातावरण है, ठीक है, प्रकृति है, उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और उसमें यथासंभव सुधार भी करेंगे, यानी जिनकी कमी पाई जा रही है उनको वो आपूर्ति, उनकी सप्लाई करेंगे, ठीक है, ये उनका काम है। और क्या काम है, एंड टू सेफ गार्ड और सुरक्षा, सेफ गार्ड का मतलब सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करेंगे किसको, द फॉरेस्ट यानी जंगलों को सुरक्षा प्रदान करेंगे एंड वाइल्ड लाइफ, और किसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन, वन्य जीव, यहां देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब वन्य जीवन, वन में निवास करने वाले जीवों, जितने भी जीव हैं वन में, ठीक है। तो वन, जो वन्य जीव हैं उनको और जो जंगल हैं उनको क्या करेंगे,
सेफ गार्ड करेंगे नहीं, यहाँ पे ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। एक तो बचाने और सुधार करने का तो उनका एनवायरनमेंट को जो है ड्यूटी है कि वो वातावरण की सुरक्षा करें और उनमें सुधार करें, और दूसरा जितने भी जंगल हैं और देश के जो वन्य जीव हैं उनको सुरक्षित बनाए भी, सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षित संवर्धन करें, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं हिंदी में संवर्धन करना, ठीक है। तो ये काम है, ये किसका काम है, 48A के तहत ये स्टेट का काम है, ठीक है, कंट्री का काम नहीं है, स्टेट का काम है, कंट्री के अंदर जो स्टेट है, देश के अंदर जो राज्य है उनका काम है, हर राज्य का ये काम है। जहां कहीं भी इसका उल्लंघन होगा उस सरकार पर जो है कार्यवाही की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, समझ में आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट What causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. लेकिन क्या हो रहा है, ये तो इनका काम है, बट अब बट लग गया, इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। What causes यानी कौन से कारण हैं, What causes मतलब कौन से कारण हैं, किसके, endless यानी असीमित, anguish मतलब कष्ट, इसका मतलब हम कह सकते हैं पेन, पेन या ग्रीफ, यानी असीमित दुख, आप दुख भी कह सकते हो, असीमित दुख के कारण कौन कौन से हैं, यानी असीमित दुख के कारण क्या हैं, वो क्या हैं, इज द फैक्ट, वह यह तथ्य है कि असीमित दुखों के कारण का यह तथ्य है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, यानी नियमों का, देखो यहां पे पैसिव वॉइस लिखा हुआ ना, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड यानी नियमों को कभी सम्मान नहीं दिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो नियम जो बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं उनको सम्मान नहीं दिया जाता, कभी नहीं दिया जाता, नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, और ना ही भारत में कानून को क्या किया जाए, इनफोर्स किया जाए, यानी बलपूर्वक लागू किया जाए, इनफोर्स का मतलब फोर्सिबली अप्लाइड, फोर्सिबली मतलब बलपूर्वक, ठीक है, कंपल्सरीली बोल सकते हैं, अनिवार्य रूप से, ठीक है, अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, लगाया जाना, यानी ना तो जो पर्यावरण से संबंधित नियम है उनको रिस्पेक्ट मिले और ना ही उनको बलपूर्वक लागू किया जाए भारत में, इसलिए यह है कर्तव्य यहां बता दिया है अनुच्छेद 48A ने कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, लेकिन जो भारत में पर्यावरण से संबंधित लॉज बने हैं उनको ना तो रिस्पेक्ट दिया जाता है और ना ही उनको बलपूर्वक यानी सख्ती से लागू किया जाता है, ठीक है, उनको फॉलो नहीं किया जाता, आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे इन्फोर्स इन इंडिया, उनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता या फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, नियम तो है बट कहने के लिए नियम है उनका पालन नहीं किया जाता। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है दैट की कास्टिज्म, जाति प्रथा, कास्टिज्म का मतलब जाति प्रथा, अनटचेबिलिटी, छुआछूत बोलते हैं इसको, छुआछूत, लेकिन इसका एक शब्द है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, इसी को बोलते हैं छुआछूत, इसका शुद्ध हिंदी नाम है वो, तो अनटचेबिलिटी यानी जो कास्टिज्म है, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा है और अस्पृश्यता है, एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूर, ठीक है, जो बंधुआ मजदूर हैं ये शैल बी अबोलिश्ड, अबोलिश्ड का मतलब क्या होता है, टू एंड, ठीक है, समाप्त होना, एबोलिश्ड मतलब डिमिनिश भी होता है, एक शब्द है डी आई एम आई एन आई एस एच, ठीक है, इसको भी बोलते हैं अबोलिश, ठीक है। अब देखो संविधान तो ये कहता है कि जाति प्रथा, अस्पृश्यता और बंधुआ मजदूरी जो है ये इबोलिश कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया मतलब इसको
इसका उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है, उन्मूलन का मतलब अंत कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्या है, कर दिया जाएगा, ये मतलब ये फ्यूचर टेंस में बोल रहा है कि संविधान ये कहता है कि जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और बंधुआ मजदूर यानी बंधुआ मजदूरी क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। बट लेकिन दे फ्लरिस, दे का मतलब यही तीनों व्यवस्थाएं, क्या क्या, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, यही तीन चीजें फ्लरिस, इनक्रीज, फ्लरिस का मतलब क्या हो जाएगा, इनक्रीज, ये बढ़ती हैं, किस रूप में बढ़ती हैं, सेमलेसली, निर्लज्जता पूर्वक, सेमलेसली यानी सेमलेसली का मतलब होता निर्लज्जता पूर्वक, ठीक है, इवन आफ्टर 44 years, यानी यहां तक कि 44 वर्षों के बाद भी, किसके, ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान लागू होने के 44 वर्षों के बाद भी ये तीनों चीजें क्या हो रही हैं, फ्लरिश हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। अब बताओ, अब देखा जाए 1950 में हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, 1950 में, 26th of January 1950, इस बार 73rd जो है रिपब्लिक डे था, ठीक है। लेकिन यहां अभी तक बात क्या की जा रही है, 44 ईयर, अभी हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, 73 से 44 निकालेंगे, देखिएगा कितना हो जाएगा, अभी उतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ये इतना पीछे की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये अब एबोलिश हो गया है, ये एबोलिश हो गया, लेकिन अभी ये नहीं गया है और ये भी नहीं गया है, कानून बन चुके हैं, ये बाल मजदूरी पर कानून बन चुका है, ह्यूमन लेबर, वो चाइल्ड लेबर पर, ठीक है, कानून बन चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड या आप कह सकते हैं कंट्री वाइड पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है, अभी भी हमारे देश के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे चाइल्ड लेबर अभी भी है, बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम आप भी अपने लोकल एरिया में भी देख सकते हो, है ना, इतना ज्यादा ये फैला हुआ है, कुछ लोग अशिक्षा के कारण जो है अपने बच्चों को बहुत ही कम ही एज से जो है वो मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, जहां पे अशिक्षा है वहां पे, जबकि सरकार ने नियम ये लगाया है, हर स्टेट की गवर्नमेंट ने नियम ये लगाया है कि जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो एजुकेशन होगा वो फ्री होगा, अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, और 18 वर्ष से कम जो है आयु वाले बच्चे जो होते हैं वही यदि श्रमिक बनते हैं तो उन्हीं को बाल श्रम में रखा जाता है, ठीक है। 18 ईयर्स जब पूरे हो जाते हैं तो जो है मैच्योर मान लिया जाता है, एडल्ट मान लिया जाता है लोगों को, तो उसके बाद वो कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम एज में बाल श्रम के अधीन उसको माना जाता है। फिलहाल इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, रोक लगाई गई है, संविधान ने कहा है कि इसको जो है एबोलिश कर दिया जाएगा, बट अभी ये निर्लज्जता पूर्वक जो है चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टीमेट्स कमिटी has highlighted the near catastrophic depletion, अब देखिएगा, of India's forest over the last 4 decades, यहां तक sentence है, अब देखिए, a recent report, यानी हाल की report, recent का मतलब just the time, यानी ठीक अभी अभी या immediately बोल सकते हैं, ठीक है, तो हाल ही की report किसकी, ऑफ आवर पार्लियामेंट, हमारे संसद के आकलन समिति, ये जो एस्टीमेट्स कमिटी है, देखो पहला लेटर जो है क्या है, कैपिटल है, इसका मतलब ये कोई एक समिति है ना, तो संसद के आकलन की समिति जो होती है, संसद की आकलन समिति जो होती है, उसने हाल ही के रिपोर्ट से क्या किया है, has highlighted, यानी बातों को उजागर किया हुआ है, यानी प्रकाश डाला है, highlighted का मतलब
प्रकाश डाला है किस पर? द नियर, द नियर का मतलब नजदीक होना, क्या नजदीक होना? कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, इसको डिजास्ट्रस बोलते हैं, डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस बोलिए, इसका मतलब क्या होता है? विनाशकारी। और डिप्लीशन का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है क्षति, ठीक है, यानी विनाशकारी क्षति। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो आई है इसने हाईलाइट किया है कि विनाशकारी क्षति नजदीक है किसके? ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। एक विनाशकारी क्षति हो रही है लास्ट फोर डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है क्या? ड्यूरेशन ऑफ 10 years, ड्यूरेशन ऑफ 10 years, इसको दशक बोलते हैं, ठीक है, दशक समझिएगा, बड़ा सा है, ये तो छोटा सा हो गया। दशक यानी 10 वर्ष का जो टाइम होता है उसको, यानी पिछले 4 दशकों से, यानी 4 दशकों से भी ज्यादा हो गया, ठीक है, पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से भारत के वनों में क्या हो रहा है? विनाशकारी क्षति जो है हो रही है। ये एक रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था, किसका रिपोर्ट था? पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी का था, यानी संसद के आकलन समिति का था, संसदीय आकलन समिति बोल सकते हो उसको, ठीक है। एक मिनट आगे और बढ़ते हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डाटा, देखो ये सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, इसके बीच में जो ये दिया हुआ है इसका हम पहले हिंदी निकालेंगे, क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, रिलायबल डेटा का मतलब रिस्पॉन्सिबल डिटेल, यानी विश्वसनीय। इसको रिलायबल को हम क्रेडिबल बोल सकते हैं, इसका रिलायबल का क्रेडिबल लिखिएगा, CREDIBL, क्रेडिबल, यानी विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, विश्वसनीय आंकड़े के अनुसार इंडिया इज, भारत क्या कर रहा है? लूजिंग, खो रहा है, क्या? इट्स फॉरेस्ट, अपने वनों को खो रहा है, किस दर से? एट द रेट ऑफ 3.7 million acres a year, यानी प्रति वर्ष 3.7 million acres की दर से भारत क्या कर रहा है? अपने वनों को खो रहा है, वनों की कटाई कर रहा है। अब पूरे ये नेशन लेवल पर है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में जो है, पूरे भारत में क्या हो रहा है? 3.7 का क्या हो रहा है? वनों की कटाई हो रही है, वनों को हम खो रहे हैं, ठीक है, इतना वन रोपण नहीं हो रहा है, वनों की कटाई, जितना वनों की कटाई हो रही है उतना प्लांट नहीं लगाया जा रहा है। और वन की कटाई होगी तो वन में बड़े बड़े पेड़ होंगे ना, उनकी कटाई होगी, आप प्लांटिंग करेंगे छोटे छोटे प्लांट की, तो दोनों के बीच में जो संतुलन बनाना है, तो कई गुना पेड़ यदि लगाए जाएं तब भी बड़े मुश्किल से वो भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि ये जितने भी, इतना 3.7 million, इसका मतलब क्या? 37 लाख, 3.7 million मतलब 37 लाख acres एरिया, मतलब बहुत ज्यादा होता है, और एक वर्ष के अंदर इतनी कटाई होती है। अब भाई ये सब डेटा है, और ये डेटा कब का डेटा है, कब ये लिखा गया होगा, तब का डेटा है। चलो, लार्ज एरिया, जो बड़े क्षेत्र हैं, ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। देखो ऑफिशियली का मतलब होता है गवर्नमेंटेड, सरकारी, डिजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है? डिजिग्नेटेड का मतलब देखो, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं क्षेत्र, जो बड़े क्षेत्र हैं,
और जो सरकारी रूप से यानी सरकार ने जिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है एज फॉरेस्ट लैंड, यानी वैसे फॉरेस्ट लैंड जो हैं जिन पर क्या किया गया है, सरकार ने क्या किया है, डेजिग्नेटेड का मतलब रोक लगाया है। देखो क्या मीनिंग इसकी दी गई है, जिन्हें सरकारी रूप से जंगल के रूप में क्या किया गया है, हाँ उगाया गया है, बताया गया, मतलब जंगल उनको मतलब कंफर्म किया गया वो जंगल हैं, वो क्या हो रहे हैं, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, यानी वो पेड़ों से विहीन हो रहे हैं। वर्चुअली का मतलब यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा, वास्तव में पहले से ही क्या हो चुके हैं, ट्रीलेस हो चुके हैं, यानी पौध विहीन है। ठीक है, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों का वास्तविक हानि, वनों की वास्तविक हानि इज एस्टिमेटेड, आकलित की जाती है, मतलब गणना की जाती है, टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टेटिक्स। अब देखो सरकारी आंकड़े, स्टेटिक्स का मतलब क्या होता है, सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, ठीक है, सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं जो वनों की वास्तविक हानि है इज एस्टिमेटेड, वो गणना की जाती है और गणना के द्वारा पाई क्या जाती है, टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टेटिक्स, यानी गवर्नमेंट आंकड़े यानी जो सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं जिस रेट को वो दर्शाते हैं, इंडिकेटेड मतलब क्या होता है, दर्शाना, सरकारी आंकड़ों के द्वारा दर्शाए गए दर से लगभग 8 गुना हो गया है। ठीक है, यानी जितना सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं उससे 8 गुना ज्यादा वनों की हानि क्या हो रही है, वास्तविक हानि हो रही है। ठीक है, जो गणना की गई है वनों की वास्तविक हानि की, वह जितना सरकारी आंकड़े दिखाते हैं उसका 8 गुना है। ठीक है, यानी दर्शाया कम जाता है, होता ज्यादा है, लॉस ज्यादा हो रहा है लेकिन दिखाया कम जाता है। ओके, ज्यादा टफ पड़ रहा है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर क्लास टुमारो, हैव अ नाइस डे।